तो हेलो, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली। आई होप बहुत अच्छे हो गए आप सब। आप लोग ये सोचते होंगे हमेशा कि ये कंटिन्यू 4 दिन 5 दिन वीडियो बनाते हैं और फिर गायब हो जाता है, बंदा पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि वर्क लोड काफ़ी सारा होता है, बिकॉज ज़िंदगी में वर्क करना ज़रूरी है, बिना वर्क के तो कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे ही मेरी लाइफ भी है, मैं भी अदर वर्क करता हूँ, इस वजह से मुझे बाहर जाना पड़ जाता है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, तो ना उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए बीच बीच में गैप हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, इस वीडियो को शेयर करो, और मतलब जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि मैं उधर का वर्कलोड जो है वो कम करके आप लोगों तक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाऊँ, आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कॉमेंट्स करो। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जो खेसारी लाल की ही एक वीडियो है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हो, आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलो सॉन्ग पे आते हैं। जी हाँ, उस सॉन्ग का नाम है, खेसारी लाल का सॉन्ग है, प्यार करते हैं उन्हें। ये खेसारी लाल का नया सॉन्ग है, जिसमें म्यूजिक दी है सलीम सुलेमान ने, एंड भोजपुरी इंडस्ट्री का गाना है, बट ये हिंदी में है, एंड काफ़ी अच्छा गाना है। और ऑब्वियसली अगर सलीम सुलेमान ने इस गाने की म्यूजिक दी है, इस गाने को कंपोज किया है, तो ऑब्वियसली ये गाना बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। एंड वीडियो लेबल भी इसका बहुत अच्छा है, मैंने जहाँ तक इसको मतलब इस गाने पे वो किया है, चेक किया है, इन्फॉर्मेशन देखी है, तो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों को तक भी ये गाना पहुंचाता हूं, एंड आप लोगों से प्यार और ज़्यादा पाता हूं, बिकॉज आप लोग इतना प्यार करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस गाने पे भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, और हाँ पहले वीडियो को देखते हैं, देन काफ़ी सारी बातें करते हैं। लेट्स गो। मर्चेंट रिकॉर्ड एट ग्लोबल म्यूजिक। स्टार्टिंग अच्छी है, होश में आते उसकी सताती नहीं, पीने के बाद दिल से वो जाते नहीं, गम के दरिया में डूब जाना है सनम, महफिल से अच्छा मैं खाना है सनम। गाना काफी अच्छा है, गाने की जो लिरिक्स है ना वो अच्छी है, और अभी तक म्यूजिक एंड गाने का सब कुछ अच्छा लग रहा है, एंड बाकी आगे देखते हैं कि आगे कैसा है गाना। गम के दरिया में डूब जाना है सनम, महफिल से अच्छा मैं खाना है सनम। सारी ये जाते अकेले बिताते, काश हमको भी वो अपना बनाते, देखे दिलासा दूर न जाते, छूके जरा सा दिल को मनाते, प्यार इतना करते हैं उन्हें, वो इसको जरा सा मिलने की ख्वाहिशें जताती नहीं, क्यों है ये दूरियां बताती नहीं, अब तो मेरा बस
गाने में ना जो फीलिंग आ रही है ना, वो बहुत अच्छी, एक सोभर सी, सुंदर सी फीलिंग आ रही है। लिरिक्स बहुत अच्छी है जिसने भी मतलब लिखी है, एंड खेसारी लाल ने इस गाने को बहुत अच्छे से मतलब गाया भी है, और इसमें मतलब बहुत ही अच्छी एक वाइब आ रही है इस गाने से। एंड थोड़ा सा मुझे एक इसमें लगा है जो पॉइंट मैं आपको वीडियो खत्म होने के बाद बताऊंगा, बट गाने में से जो वाइब आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है। महफिल से अच्छा मैखाना है सनम, गम के दरिया में डूब जाना है सनम। महफिल से अच्छा मैखाना है सनम। करते हैं उन्हें प्यार इतना करते हैं उन्हें, समझे वो इसको जरा सा, होश में आती उसकी सताती नहीं, पीने के बाद दिल से वो जाती नहीं। दरिया में डूब जाना है सनम, महफिल से अच्छा मैखाना है सनम। गम के दरिया में डूब जाना है सनम, महफिल से अच्छा मैखाना है सनम। देखो गाना काफ़ी अच्छा है, एंड गाने की जो म्यूज़िक है वो भी अच्छी है। गाने को मतलब बहुत अच्छे से गाया गया है, बहुत अच्छे से म्यूज़िक है गाने की। एंड जो मैंने आपको बोला ना कि मुझे एक चीज़ लगी है जो पॉइंट आउट करने लायक है, वो मैं आपको बताऊंगा। इस गाने को ना और ज़्यादा ग्रैंड बनाया जा सकता था, बस जो वीडियो क्रिएशन है ना उसको थोड़ा सा और ग्रैंड लेवल की करके। जैसे कि वीडियो में एक चीज मतलब आप देखोगे कि गाने की जो फीलिंग है ना वो बहुत ही अमेजिंग, और एक ना अंदर टच करने वाली, हर्ट को ना टच करने वाली लिरिक्स है और म्यूजिक है, और उसको गाया भी वैसे ही है खेसारी लाल ने। तो उस टाइप से अगर वीडियो क्रिएट किया गया होता तो सोच सकते हो गाने का लेबल क्या होता। बिकॉज ना आप एक चीज नोटिस करो, कोई भी गाना हो, आप अगर उसको MP3 में सुन रहे हो तो उसकी वाइब आपको अलग आएगी, और अगर उसी गाने को वीडियो के साथ देख रहे हो तो उसकी वाइब अलग आएगी। तो वीडियो और जो ऑडियो होता है ये मिक्स करके ना एक अलग वाइब बनाता है। तो जो है ना म्यूजिक जो है ना वो वीडियो के साथ एक जैसे होता है ना कि निखर के खिल के आना, ऐसा कुछ ऐसा होता है। तो वीडियो जो है म्यूजिक के बिना कुछ नहीं है, बट म्यूजिक अगर वीडियो के साथ देखोगे ना तो म्यूजिक बहुत ज्यादा मतलब एक उसका अलग लेवल हो जाता है। तो इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना चाहिए, वीडियो को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो इस वीडियो में थोड़ा सा मतलब मेहनत और होनी चाहिए थी, एंड इसमें ग्रैंड ग्रैंड शॉट, जस्ट लाइक वाइड वाइड शॉट चाहिए था, और एक ग्रैंड अच्छी लोकेशन चाहिए थी। और जो इसमें शराब का जो शॉट लिया है खेसारी लाल ने, जो शूट किया है पीते हुए, तो इसको ना थोड़ा सा एक ग्रैंड लेवल पे शूट करना चाहिए था, तो ये गाना और ही मतलब और अमेजिंग हो जाता, और ज्यादा ये गाना वो हो सकता था, ग्रैंड सॉन्ग हो सकता था। तो ये मेरी तरफ से मुझे लगा, मैंने बताया आप लोगों को कितना ये मेरी मतलब बातें आप लोगों को किस हद तक सही लगी, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना, एंड अपना भी ओपिनियन जरूर रखना कि इस गाने को लेके, इस गाने को सही करने के लिए और इसमें क्या किया जा सकता था, एंड उसको कमेंट्स करके मुझे बताना। और जो गाना है, गाना बहुत अच्छा है, गाने की लिरिक्स भी बहुत अच्छी है, एंड खेसारी लाल का लुक भी इसमें बहुत अच्छा बनाया हुआ है, एंड सलीम सुलेमान की म्यूजिक है, तो ऑब्वियसली यार गाना इतना अच्छा होगा ही। मतलब इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि सोच सके कि गाना अच्छा नहीं है। तो सलीम सुलेमान की जो म्यूजिक होती है वो किसी भी गाने को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकती है, बिकॉज ये लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड
म्यूजिशियन हैं एंड सिंगर हैं, मैंने कई बार इन लोगों को लाइव सुना है, तो देख के समझ में आता है कि इन लोगों का लेवल बहुत ही ऊपर लेवल। तो ओवरऑल मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा, जो भी लगा आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताना। एंड मेरे लिए आप लोगों को कुछ भी लगता है मेरी साइड से भी अगर इम्प्रूव करने का, क्योंकि मैं हर गाने पे मैं बताता हूँ ये इम्प्रूवमेशन चाहिए, तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी साइड से भी कुछ इम्प्रूव करना चाहिए वीडियो में या किसी भी चीज़ को लेके, तो आप लोग मेरे फेसबुक पेज को जाके फॉलो करो एंड वहाँ पे मुझे कमेंट्स कर मैसेज करके बता सकते हो। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक डाल दूंगा, फेसबुक का, दोनों का लिंक डाल दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो जो भी आपका ओपिनियन है मेरी वीडियो को लेके, इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी आप बता सकते हो, एंड कुछ ऐड ऑन करना है वो भी आप बता सकते हो, एंड अदर कोई क्वेश्चन है आपको तो वो भी आप पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, ऐसा ही सपोर्ट करते रहो और इस गाने पे भी अच्छे अच्छे भर भर के कमेंट्स करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए फिर से अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, बाय, टेक केयर।